नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर गफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जागरूकता शांति पैदल मार्च निकालते हुए लोगों को इस बिल से जागरूक होने की अपील करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और शॉल उड़ाकर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 किसी की सदस्यता खत्म करने वाला बिल नहीं है, बल्कि बाहर से आए हुए और जो वर्तमान में रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने वाला बिल है। आप पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति सोता रहे उसको जगाना तो समझ में आता है, लेकिन जागते हुए जो अभिनय करे उसको जगाया नहीं जा सकता है। विपक्ष का विरोध सपा और कांग्रेस में केवल मुस्लिम वोटों को लेकर के होड़ मची हुई है कि हम वोट लेंगे कि वह वोट लेगा, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का विषय है। जेएनयू पर क्या कह रहे हैं सर? जेएनयू पर, जेएनयू में देखिए, जो विशेष तौर से मैं कहूँ कि छात्र संगठन है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की जाँच में स्पष्ट हो गया है कि ये झूठ था, फरेब था और सच सामने आ गया। प्रियंका गांधी आयोग क्या कहते हैं सर?